हाथरस गैंगरेप कांड में पीड़िता की मौत और उसके बाद परिवार की मर्जी के खिलाफ जबरन अंतिम संस्कार के आरोप पर घिरी यूपी सरकार अब नींद से जागी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है। इस 3 सदस्यीय टीम की अध्यक्षता गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे। अन्य 2 सदस्यों में डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस अधिकारी पूनम को शामिल किया गया है। सीएम ने पूरे मामले की छानबीन कर जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को कहा है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से इस जघन्य वारदात पर बात की है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी है। अब सीएम योगी ने पूरे घटनाक्रम पर सख्त रूप अख्तियार करते हुए टीम को घटना की तह तक जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समयबद्ध ढंग से जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सीएम ने उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात भी कही है। उधर हाथरस में दलित युवती के साथ निर्भया जैसी हैवानियत पर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश झलक रहा है। दिल्ली के जिस सफदरगंज अस्पताल में पीड़िता ने कल आखिरी सांस ली और उसके बाद अस्पताल के बाहर प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च निकाला गया, अब यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी हो रही है। ऐसा शर्मनाक, ऐसा निंदनीय केस, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ऐसा है कि रूह कांप दे आदमी की। अपने आप में सरकार का प्रशासन, सरकार का इकबाल, पुलिस का और प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। बर्बरता तो हुई थी निर्भया के साथ भी, और इसकी बर्बरता सिर्फ बलात्कारियों ने नहीं की, हमारे कानून व्यवस्था ने भी की, प्रशासन ने भी किया। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और योगी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों लोग हम लोगों के एक तरह से प्रदेश में गार्जियन हैं, और फिर भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है? इस मामले को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने पुलिस द्वारा जबरन किए गए अंतिम संस्कार को घोर अमानवीयता बताया है। इसके साथ ही प्रियंका ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। राहुल गांधी ने तो यूपी में एक वर्ग विशेष का जंगल राज होने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी जैसे समेत तमाम राजनीतिक दल और संगठन बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन और यूपी सरकार मामले में किसी भी लापरवाही से इनकार करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।